आपने की है पिछले 10 सालों में, जो ट्रांजैक्शन आपने की थी, अब जो कैश आउट करने का टाइम आ गया। और ये माना नहीं जाता था कि हिंदुस्तान बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, और स्पेशली इस वर्ल्ड कप में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि शायद ये बॉलिंग साइड ऐसी होगी विद द स्पिनर्स। सो आई रियली होप कि आप इसी बॉलिंग साइड के साथ आप ये वर्ल्ड कप जीतो। हर्षदीप सिंह ने कामरान अकमल घंटे गए तो उस दिन कह रहा था ना कि 12 बजे सिंह को ओवर नहीं देते, वो ये शराबे पीते हैं, ये जो 12 बजे के बाद ये तो शराब नोशी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो तेरे अबू हर्षदीप ने 4 विकेटें ली हैं और रन पता कितने दिए हैं? 9। वो तेरे शहीन लंगड़े की तरह ना 50 रन नहीं दिए, या टेपिये की तरह 50 रन नहीं दिए। बट यार आई थिंक हिंदुस्तान इज लाइक लुकिंग अ वेरी वेरी लीथल टीम नाउ, वेरी लीथल। इस टूर्नामेंट में पता नहीं बात की बात है तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह के बाद सेकंड बेस्ट चॉइस है। अभी बहुत इनके पास एज है, बहुत इनके पास टाइम है, और भी इनकी बॉलिंग में निखार आएगा। फिर से रेफरेंस पॉइंट पाकिस्तान है, आखिरी ओवर इन्होंने लाजवाब किया था, यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं, फिर पेस भी अच्छी है। हर्षदीप सिंह अब ये वो नौजवान खिलाड़ी है, ये वो सरदार है जो इंडिया के लिए फखर की अलामत बना हुआ है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त इसकी बॉलिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। 4 ओवर 9 रन और 4 खिलाड़ी इसने पैदल भेजे, इसने तबाही फेर कर रखी है अमेरिका की, और ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कामरान अकमल ने मुंह से गंद निकाला। हर्षदीप सिंह व्हाट अ बॉलिंग भाई, इसको कहते हैं बॉलिंग, बॉलिंग का बाप निकला। बुमराह की रूह आ गई इस बंदे के अंदर, आज 4 विकेट लिया, 9 स्कोर दिया 4 ओवर के अंदर, अनबिलीवेबल। यानी लाइव बैठकर कामरान अकमल ने ये चीज कही कि रात के 12 बज गए, सरदार को बॉलिंग नहीं देनी, चूंकि सरदारों का दिमाग यानी सर इनका काम नहीं करता, ये वो शुगली सरदार है वो जो लतीफों में आते हैं। और उसके बाद यही हर्षदीप सिंह आज इंडिया के लिए, आज दुनिया के लिए ग्लोबल स्टार बना हुआ है, फखर बना हुआ है, सेलिब्रेट कर रहा है, पेर रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और हम मुंह काला करवाकर अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस को देखकर हम ये देख रहे हैं कि यूएसए का रन रेट गिर गया है। लेकिन हमने देखा कि ठीक है आखिर में तो इंडिया आराम से जीत गया, लेकिन फंस तो गया था इंडिया भी आज के मैच में। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार और दुबे। दोस्तों भारत ने यूएसए को हरा दिया है, लेकिन जिस तरीके से हराया है ये मायने रखता है, और यूएसए के साथ साथ बहुत सारे लोगों के मुंह पे ताला इस समय जड़ दिया गया है भारत के टैलेंटेड खिलाड़ियों के द्वारा। साथ में पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर जिसका नाम कामरान अकमल है, उसके भी मुंह पर ताला जड़ दिया गया है भारत के ही एक सपूत के द्वारा। बात हो रही है कामरान अकमल और हर्षदीप सिंह की। कामरान अकमल ने भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान कहा था कि हर्षदीप सिंह को जो है वो बॉलिंग नहीं देनी चाहिए क्योंकि रात के 12 बजने वाले हैं, और ऐसे में जो है सरदार का दिमाग खिसक जाता है, ये उसने मजाकिया लहजे में और मजाक उड़ाते हुए कहा था। उसके बाद क्या था, अब पाकिस्तान को तो पेल दिया गया था भारत ने, लेकिन अब रही सही कसर जो हर्षदीप सिंह ने पूरी कर दी है अगले मैच में। और इंडिया वर्सेज यूएसए का जो मैच था उसमें हर्षदीप सिंह ने रिकॉर्ड बना दिया है गेंदबाजी का, T20 वर्ल्ड कप में सबसे शानदार गेंदबाजी का रिकॉर्ड बना दिया है हर्षदीप सिंह ने। 4 विकेट लिए हैं, 4 ओवर किए, और आखिरी 5 ओवर्स में जैसे उन्होंने नेट रन अपना जो रन रेट था वो पिकअप किया और क्लोज किया मैच को, स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ देयर क्लास। बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी और टाइम पे तो बहुत मुश्किल था रन्स करना, लेकिन समहाउ जो है दुबे ने और खासतौर पर स्काई ने कोशिश की कुछ एनिमेशन की शॉट्स में, और उन्होंने वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जब आप टॉप के क्रिकेटर होते हो, टॉप के बैटर होते हो, तो आपको समवे अडॉप्टेशन करनी होती है और कुछ रास्ता निकालना होता है। तो इन दोनों बैटर्स ने ऐसे किया, जो उनकी पार्टनरशिप है उन्होंने मेक श्योर किया कि जो हम बार बार बात करते हैं कि चेज में जब आपको मेक श्योर करना है कि आपका वन बैटर जो है वो एक ऐसी इनिंग खेलें जो कि आप आखिर तक खेलें और वो आपको विनिंग साइड पे लेके जाएं। और ओवरऑल अगर बात करें यूएसए की टीम की, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा शोर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह वो खेलें, उसके बाद जिस तरह आज वो एक बड़ी टीम, देखिए जैसे पाकिस्तान की टीम होती है और इंडिया की टीम होती है, सिर्फ एक टीम्स नहीं होती, बड़ी टीम्स नहीं होती, बहुत सारा प्रेशर भी इनका होता है, तो उस प्रेशर से हैंडल करना मेरे ख्याल से विन विन है यूएस के लिए, क्योंकि वो आज मैच हार गए, लेकिन अभी बड़ी अच्छी अच्छी स्टेज पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे। अगर एक वो मैच जीतते हैं अगला, तो मेरे ख्याल से सुपर 8 में वो क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे जाके बहुत सारी बारिश भी है चाहे इनके मैचेज होने, तो आई होप कि इनका मैच हो, पाकिस्तान का मैच हो, और वो जो बेस्ट टीम है फिर उसके बाद वहाँ से पता चले कि पाकिस्तान में और यूएस में कितनी कितनी स्ट्रेंथ है और कितना करेक्टर है कि वो आगे जाके शो करते हैं और सुपर 8 में क्वालिफाई। ये कह रहे हैं कि बाबर आजम बड़े मैच का प्लेयर ही नहीं है, तो फिर ये बाबर आजम खुद साबित कर चुके हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा साबित कर चुके हैं, बड़े मैच में बाबर परफॉर्म नहीं करते। बाबर रन्स के तो अंबार लगा के रखते हैं भाई, उस रन्स के अंबार में, मैं उस दिन अहमद शहजाद को ही सुन रहा था, वो कह रहे थे 1400 रन ऐसे हैं बाबर के कि जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, तो आपके उन रन्स का क्या फ़ायदा। और फिर उन दिमाग को सलाम है कि आपने 4 साल कप्तान बनाया, कप्तान बनाने के बाद आपने देख लिया था, देखने के बावजूद आपने दोबारा से कप्तान लगाया, मकसद है कि वो कहते हैं कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन यूएसए ने अच्छा तगड़ा मुकाबला किया भारत का, हालांकि भारत ने मुकाबला जीत ही जाना था, वर्ल्ड क्लास टीम है भारत की, और दूसरी तरफ एक तरह से आपके
वेजर्स या आप कह लें एमेच्योर ये क्रिकेटर्स हैं यूएसए के, मगर इसी तरह से अगर कड़ा ये इम्तहान में डाली रखेंगे एस्टेब्लिश टीम्स को तो आगे चल के फिर प्रोफेशनल भी हो जाएंगे और दुनिया में अपना नाम भी बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की विन के बाद यहाँ पे अमेरिका में तो खूब इन्होंने हेडलाइंस बटोरी हैं। देखिए सौरभ जो है लेफ्ट आर्म पेसर है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक तो विराट कोहली ने गोल्डन डक किया, उसके बाद उन्होंने रोहित शर्मा को भी आउट कर दिया और रन चेस जो है वो मुश्किल बना दिया, फिर ऋषभ पंत भी आउट हो गए 50 पे 3, 100 रन करने थे और फिर सूर्या कुमार यादव आए स्ट्रगल कर रहे थे, उनका कैच इन्होंने ही छोड़ दिया, सो गोल्डन मोमेंट से नॉट सो गोल्डन मोमेंट इन्होंने अचीव किया और फिर सूर्या कुमार ने 50 कर दिया। दुबे ने भी अच्छी बैटिंग की, इसलिए कि उनके लिए रन अंडर द बेल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को कोई जल्दी थी नहीं, हालांकि 18वें ओवर तक यूएसए ये कहेगा कि हमने मैच को खींचा। सुदीप सिंह, अब ये वो नौजवान खिलाड़ी है, ये वो सरदार है जो इंडिया के लिए फखर की अलामत बना हुआ है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त इसकी बॉलिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है, 4 ओवर्स 9 रन और 4 खिलाड़ी इसने पैदल भेजे, इसने तबाही फेर कर रखी है अमेरिका की, और ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कामरान अकमल ने मुंह से गंद निकाला, जिस पर हरभजन सिंह ने यह कहा कि कामरान अकमल लानत हो तुम पर, लखनऊ लानत हो तुम पर, और हरभजन सिंह ने ज्यादा कहा लेकिन ठीक भी कहा कि ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि कामरान अकमल ने टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर लाइव ये कहा, यानी लाइव बैठकर कामरान अकमल ने यह चीज कही कि रात के 12 बज गए सरदार को बॉलिंग नहीं देनी, चूंकि सरदारों का दिमाग यानी सर इनका काम नहीं करता, ये वो शुगली सरदार है वो जो लतीफों में आते हैं, और उसके बाद यही हरदीप सिंह आज इंडिया के लिए आज दुनिया के लिए ग्लोबल स्टार बना हुआ है, फखर बना हुआ है, सेलिब्रेट कर रहा है, पेर रहा है, वर्ल्ड कप के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, और हम मुंह काला करवाकर अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस को देखकर हम ये देख रहे हैं कि यूएसए का रन रेट गिर गया है, पाकिस्तान का और यूएसए का जो रन रेट का डिफरेंस था वो तकरीबन खत्म हो चुका है और अब सिर्फ मैच विक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम आगे जाती है। फ्राइडे वाले दिन यूएसए वर्सेस आयरलैंड खेलेंगे और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिडा में है, बारिश के 90% चांसेस हैं, अगर यूएसए हार जाता है पाकिस्तान के लिए चांस बन गया है। संडे को फिर पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच है, पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान आगे चलता है। ये ट्रिकी सिचुएशन है, मुश्किल कंडीशन है, अगर थी अबे तो विराट अगर खेले तो ये सूर्या कैसे खेल गया? सूर्या भी खेल गया, सूर्या और खेल गया। वो खेल के गया जो कोई और खेल के नहीं गया, और सूर्या के लिए बड़ा अच्छा साइन है ये, अगर ये मुश्किल कंडीशन थी बैटर्स के लिए। अच्छा सूर्या कैसे खेल गया सवाल है, और सूर्या ने बहुत वक्त लिया विकेट पे, बाद में उसने चला दी मार 4.5, उसकी हमने पूरे आईपीएल बजाई है और बताया इस पे भरोसा है तो ये उसी वक्त चलेगा जहाँ पे सब फेल है। और सूर्या के लिए असल गेम हमेशा से सारी टीमों को छोड़ के इंडिया के लिए ये तय था कि इंडिया ने तो सुपर 8 में जाना ही जाना है, क्योंकि हर एक्सपर्ट की सेमीफाइनलिस्ट में एक टीम मुश्तरक है वो इंडिया है। ये जरूर है कि इंडिया 2 मैच हारा हुआ होता और यूएसए से आज जीतता तो मैं जरूर बजा देता, ये कोई जीत है, ये कोई जीत है, मगर अगर एक कप्तान जो 2 मैच जीता हुआ आ रहा है, 3 आउट ऑफ 3 हो गया, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, उसके बाद क्रिकेट के अब्बू की कोई परफॉर्मेंस नहीं, 5 रन है उनके, ठीक है चलो मैं बता दूं 68 रन रोहित शर्मा के टोटल 3 मैचेस। अब मुझे एक बात बताएं, नहीं कोई तो कर रहा है, पंत को पाला किस लिए, सूर्या को रखा किस लिए, उबे को लाए क्यों है लड़के, पांड्या को क्यों इतना चंडो को, हार्दिक पांड्या आधे इंडिया की मुखालफत के बावजूद है 14 रन 2 विकेट, रविंद्र जडेजा को ओवर नहीं कराया, हर्षदीप जिस पे सबने मूंग दली है पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया से लेके आईपीएल और आईपीएल से लेके यहाँ तक क्या ठुकरा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, बुमराह 10 विकेट ले लेता बेकार थी क्योंकि अमरीका की टीम है, तो अब कर कौन रहा है भाई, किंग कौन कर रहा है आगे मुझे बताओ ना, कैसे हो रही है ना, किंग सूर्या, शिवम दुबे पिछले 2 मैच जिससे बारीक थे यार, क्या शिवम दुबे के पास बहुत तजुर्बा है, जडेजा को आमिर खान, इसलिए आज सूर्या कुमार आगे का बॉल यूं ही फेंक दिया, आगे बंद नहीं कर रहा, लबाड़ नहीं रहा, यूं आया 1440 ना सूर्या 1440 नटवाल का चल भी निकल तेरी ऐसी, तूने दो आग बरसाई है सूर्या ने आखिर में आग, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अंदर कोई उनके लिए गाना चलवाया गया कि सूर्या तू अब तो आजा। मात्र 9 रन दिए हैं कामरान अकमल को, क्रिकेट की समझ है तो उसे ये भी पता होगा कि ये जो स्टैट्स ये फिगर ये नाम लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या है, 4 ओवर में 4 विकेट ले लेना और मात्र 9 रन देना सामने वाली टीम को, कितनी शानदार बॉलिंग है ये, इससे शानदार बॉलिंग भारत ने T20 में आज तक की नहीं है, इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये रविचंद्रन अश्विन के नाम था, 4 विकेट उन्होंने लिए थे और 11 रन दिए थे, उससे पहले था हरभजन सिंह के नाम, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट लिए 12 रन दिए 2014 कोलंबो में, उससे पहले था ये आरपी सिंह के नाम, 13 उन्होंने रन दिए थे 4 विकेट लिए थे, और उससे पहले था जहीर खान के नाम, उन्होंने 19 रन दिए थे 4 विकेट लिए, और उससे पहले था प्रज्ञान के नाम, 21 उन्होंने
रन दिए थे और 4 विकेट लिए 2009 में। अब हर्षदीप सिंह ने जो ये रिकॉर्ड बना दिया है 9 रन 4 विकेट और 4 ओवर, ये जो है शानदार है। और इसने मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आलोचक हैं स्पेशली हर्षदीप सिंह के, उन्होंने भारत का हर्षदीप सिंह का मजाक उड़ाया था, उनके मुंह पे कालिख पोत दी है। इससे बहुत सारे लोग खुश हैं और बिल्कुल होना भी चाहिए। जो परफॉर्मेंस भारत के बॉलर्स ने दिखाई है स्पेशली हर्षदीप सिंह ने, ये देखने के बाद पड़ोसियों के जो बॉलर्स है वो एक दूसरे का मुंह ताक रहे, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी बॉलिंग नहीं होती है। ऐसी शानदार डेडली बॉलिंग का कॉम्बिनेशन यही आपको देखने को मिलेगा। 4 ओवर में 4 विकेट और 9 रन एक्सेप्शनल है। ऐसी परफॉर्मेंस रियली देखने को मिलती है और T20 में न्यूयॉर्क के उस ग्राउंड पे जहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन धराशायी हो गए थे, वहीं हर्षदीप सिंह ने कारनामा किया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम को रोक दिया है खड़े पांव डिस्क ब्रेक लगा के अपनी बॉलिंग से। ये देखने के बाद जब बहुत सारे भारत के जो फैंस है टीम के और हर्षदीप सिंह के जो फैंस है, उन्होंने फिर कामरान अकमल को सोशल मीडिया पे आड़े हाथों ले लिया और हर्षदीप सिंह के ऊपर कमेंटबाजी करने वाले कामरान अकमल ने बाद में माफी मांगी है। हालांकि माफी मंगवाई गई है, उसने माफी मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि कितने अंदर तक इनके अंदर जो है धूर्तता और जहर भरा हुआ है, जिसका कि पक्का इलाज ही एकमात्र उपाय है। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।